गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एक पेस्टिसाइड सेक्टर के स्टॉक के साथ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, एट प्रेजेंट रेट पर काउंटर को जल्दीबाजी में नहीं खरीदना है। काउंटर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, काउंटर बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है अगर आपने सही स्तर पर ख़रीदा। इस काउंटर को बताने का जो कोर पर्पज़ है वो ये है कि आप अब इस काउंटर में ट्रैकिंग को शुरू कर दीजिए, और जैसे ही आपको बेस्ट लेवल पर ये काउंटर अवेलेबल होता है आप इस काउंटर में अपनी पोजीशन को बना लीजिए। या अगर आप तुरंत भी खरीदना चाहते हैं तो इस काउंटर के अंदर आप SIP को क्रिएट कीजिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को हर महीने खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये 100% जैकपॉट गारंटी है कि ये काउंटर आपको कम से कम 100% का मुनाफा अगले 1.5 साल के अंदर दे देगा। दोस्तों जी हाँ, 100% जैकपॉट गारंटी दे रहा हूँ मैं कि अगले 1.5 साल के अंदर ये एट प्रेजेंट रेट से डबल पे हो जाता है। यानी कि अगर आपने लोअर लेवल पे खरीदा तो आपको और भी बेहतर मुनाफे मिल सकते हैं, बट अगर आपने करंट रेट पर भी खरीदा तब भी अगले 1.5 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। कौन सी ये जैकपॉट कॉल है तो ध्यान से सुनिएगा, सभी लेवल्स को नोट डाउन करके रख लीजिएगा, अपनी ट्रैकिंग लिस्ट पर लगा लीजिएगा, अलर्ट्स क्रिएट कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही आपके बेस्ट बाइंग लेवल्स आते हैं आपको अलर्ट आ जाए और आपको पता चल जाए कि काउंटर अब आपके बाइंग जोन के अंदर आ चुका है और आप उसको सही समय पर खरीद पाए। ये काउंटर एग्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड सेक्टर का काउंटर है और इस काउंटर का नाम है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ये एक पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल काउंटर कंपनी है। इसका जो BSC कोड है वो है 532851, आप नोट कर लीजिएगा, BSC का कोड है 532851, NSC का कोड है इसका इंसेक्टिसाइड INSECTICID। तो ये इंसेक्टिसाइड जो है वो इसका NSC का कोड है और इसका जो सेक्टर है वो है पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल। 499.75 रुपीज़ के करंट रेट पर फिलहाल चल रहा है काउंटर, 10.70 रुपीज़ नीचे, यानी कि लगभग 2.10% का डाउनसाइड आज कंपनी का काउंटर दिखा रहा है। ये काउंटर, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। मेरा आप बात को बहुत साफ साफ शब्दों में, ट्रेडिंग नहीं करें, यानी कि आप जो भी पोजिशन को ले वो कैश में ले, क्योंकि रीज़न क्या है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है। आप देखेंगे केवल 4900 के वॉल्यूम के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है। और हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो तो आप सबसे पहले काउंटर का डेली जो एवरेज है, वॉल्यूम है, वो ज़रूर चेक कीजिए, और वो कम से कम 5 लाख का होना चाहिए, तभी आप उसमें ट्रेडिंग को इनिशिएट कीजिए। वो आपका बेस्ट लेवल, बेस्ट क्राइटेरिया रहता है अगर 5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके अंदर सबसे पहली चीज़, आप जो इंसेक्टिसाइड इंडिया, उसमें जो HDFC सिक्योरिटीज़ है, उसने 16 नवंबर को टारगेट दिया था 960 रुपये का, यानी कि 960 रुपये का टारगेट इस काउंटर में आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप एट प्रेजेंट काउंटर रेट पर भी खरीदते हैं तब भी आपको दुगना मुनाफा इस काउंटर के अंदर निश्चित तौर पर मिलने वाला है। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 1025 करोड़ का, यानी कि माइक्रो कैप की कंपनी है। बुक वैल्यू 265 की है और जो इसका इंडस्ट्री PE वो 38.83 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.87 है, यानी कि फेयर वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड स्टॉक नहीं है अगर हम बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो। उसके अलावा फेस वैल्यू 10 का ये काउंटर है, लगभग 54.7% के आसपास की काउंटर के डिलीवरेबल्स हैं। साथ ही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छा स्टेक है, लगभग 68.75% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जिसमें कि जो नंबर ऑफ प्लेज शेयर्स हैं वो कोई भी नहीं है, यानी कि कंपनी का काउंट कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का लगभग 6.6% इन्वेस्टेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स ने लगभग 4.8% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, QFIs का लगभग 2.86% का इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल्स के पास लेस देन 10% का स्टेक है, यानी कि 8.72% स्टेक जो इंडिविजुअल्स के पास है, और एनी अदर्स के पास भी लगभग 7.97% स्टेक हैगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल टर्म में कंपनी के ऊपर कर्जे, कंपनी अपना डेट को आप बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर रही है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कंपनी का जो टोटल कर्ज है फिलहाल एट प्रेजेंट वो 105 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 2017 में 221 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्ज था। 547 करोड़ के आसपास की कंपनी की नेटवर्थ है, जबकि जो रिजर्व्स हैं वो 526 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस लगभग 20.11 करोड़ है, जबकि लास्ट ईयर 9.22 करोड़ थे।
इसके अलावा प्रोविजंस भी ना के बराबर है, केवल 86 लाख का प्रोविजंस है। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी लगभग 16 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो कि पिछले 5 सालों में हाईएस्ट है कंपनी का। सो ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल है बेसिक काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस को देखेंगे कंपनी की सेल्स के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट यू नो स्टैटिक, मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में देखेंगे तो 864 करोड़ से बढ़ के जो सेल्स थी वो 1073 करोड़ बढ़ गई, पहुंच गई है। हालांकि मार्च 17 में इनकी सेल्स ज़्यादा थी, 1107 करोड़ की थी, और मार्च 18 में इनकी सेल्स कुछ डिक्लाइन हुई है। उसके अलावा जो एग्रोकेमिकल फैक्टर्स हैं उसमें अभी फ़िलहाल हम देखेंगे, चाहे वो आपको GNFC हो जाए, चाहे वो अदर एग्रोकेमिकल फैक्टर्स हो, आप मेघवानी ऑर्गेनिक्स को भी देख सकते हैं, अभी एग्रोकेमिकल फैक्टर में कुछ वीकनेस चल रही है फिलहाल, इसीलिए ये काउंटर भी अभी कमजोरी शो कर रहा है। लेकिन काउंटर बहुत बढ़िया है, आपको अगर अपने पैसों को 100% जैकपॉट कॉल में लगाना है तो शायद ये काउंटर आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। आप अगले 1.5 साल के लिए इसमें निवेश कीजिए और अपने पैसे को दुगना करके बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर देखेंगे जो प्रॉफिट फॉर टैक्सेस है, जो लास्ट ईयर केवल 80 करोड़ के आसपास था, वहीं 2018 में 118 करोड़, यानी कि तकरीबन 38 करोड़ का मुनाफा इंक्रीज किया है कंपनी ने। ये एक बहुत शानदार बात है। आप देखेंगे पिछले 5 सालों में 48 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा 118 करोड़ पहुँच चुका है। अल्टीमेट परफॉर्मेंस, अल्टीमेट ग्रोथ। इसके अलावा अगर आप लोग हाफ ईयरली नंबर्स की बात करते हैं तो हाफ ईयरली नंबर्स में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो सितंबर छमाही है, सितंबर 17 में 728 करोड़ का टोटल सेल्स किया था, जबकि सितंबर 18 में 777 करोड़ का सेल्स किया। वहीं जो प्रॉफिट्स थे वो 92 करोड़ से बढ़ के सितंबर 17 में सितंबर 18 में 110 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। ओवरऑल 18 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इस छमाही के अंदर, यानी कि जो FY19 के जो नंबर्स कंपनी पोस्ट करेगी वो भी बेहद शानदार हो सकते हैं, और उसके बाद काउंटर में आपको एक बुलिशनेस दिखाई दे सकती है। और अभी काउंटर में जो वैल्यूएशन मिल रहे हैं, जो प्राइस मिल रहे हैं, वो आपको बहुत ही लो वैल्यूएशन, सस्ते प्राइस पर काउंटर अवेलेबल है। सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, क्वार्टरली की बात करते हैं, तो सितंबर क्वार्टर में 416 करोड़ का टोटल सेल्स था लास्ट ईयर सितंबर 17 में, वहीं सितंबर 18 में 458 करोड़ का सेल्स रहा है, और प्रॉफिट भी 50 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ पहुंच गया। ओवरऑल काउंटर इज़ टू गुड, परफॉर्मेंस इज़ टू गुड। मुझे लगता है कि आप इस काउंटर में निवेश कर सकते हैं। इनकी ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, इनके जो प्रोडक्ट बेस है वो एग्रोकेमिकल्स में इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स, ठीक है, ये सभी बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, हाउसहोल्ड में भी ये लोग बनाते हैं, टेक्निकल एंड बल्क्स में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये आप काउंटर के बारे में देख सकते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो है, सर्टिफिकेशन कौन कौन से हैं, प्लांट के फोटो गैलरीज में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंसेक्टिसाइड्स है, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स की लिस्ट है, लेथल, लेथल 50, विक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की पूरी लिस्ट है, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है इंसेक्टिसाइड्स की जो कि ये बनाते हैं। इसके अलावा अगर हर्बिसाइड्स की बात करते हैं तो आप हर्बिसाइड्स में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। फंगीसाइड्स, ये सभी प्रोडक्ट्स एग्रोकेमिकल से जुड़े हुए, एग्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको शानदार नंबर्स भी देगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जिस तरह से एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, अगर आप लोग आकर ही फोकस करेंगे, गूगलिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, टेक्निकली जो इन्वॉल्व बंदे हैं वो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कदम बढ़ा रहे हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को फ्यूचर में नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, जहां पर इंसेक्टिसाइड इंडिया जैसे जो शेयर्स हैं वो आपको बेहतर मुनाफा दे सकते हैं। इसके टेक्निकल चार्ट्स भी आपको दिखा देता हूं मैं। यहां पर आप देखेंगे ये मॉर्फिन लेबोरेटरी का है, ये तो इंसेक्टिसाइड्स का हम लोग देखते हैं चार्ट, दिस इज़ द इंसेक्टिसाइड इंडिया चार्ट। डेली चार्ट पर मुझे अभी लगता है कि कुछ और करेक्शन मोड आ सकता है काउंटर के अंदर, कुछ और गिरावट दिखा सकता है काउंटर, जैसे जैसे डिप मिलती है, अगर ये काउंटर आपको 450 तक के लेवल दिखाता है, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और शानदार लेवल्स रहेंगे आपके लिए खरीदने के लिए। मंथली चार्ट पे मैं बात करूँगा तो जो चार्ट है वो बुलिश इंडिकेशन दे रहा है मंथली पे, हालांकि काफ़ी नीचे तक काउंटर जा चुका था, लगभग 400 से भी नीचे काउंटर ने ट्रेड किया था, लगभग 364, एंड दैट वाज द बेस्ट बाइंग लेवल फॉर द इंसेक्टिसाइड इंडिया। बट अभी समय गया नहीं है, जब भी आपको डिप मिलती है आप इस काउंटर के अंदर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। फिलहाल जो काउंटर का जो मेजर
मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँगा क्लोजिंग बेसिस पर मंथली में, वो 586 का रहेगा, यानी कि एक बार काउंटर अगर 590 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग दे देता है देन उसके बाद काउंटर नॉन स्टॉप जर्नी देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो गाइज गेट रेडी, अलर्ट तैयार कर लीजिएगा, आपके जो भी बाइंग रेंज हो वो बाइंग रेंज आप बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो SIP में एट प्रेजेंट रेट से भी हर गिरावट पर या हर तेजी पर हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को एवरेज आउट कर सकते हैं। आप अगले 1.5 साल में अपने पैसे को दुगना होते हुए डेफिनेटली देखेंगे, ये जैकपॉट कॉल है। सो अगले वीडियो में जल्दी ही हम कुछ और नए जैकपॉट कॉल्स के साथ मिलेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसी ही कॉल्स अवेलेबल हों जो कि जैकपॉट गारंटी देती हूँ मुनाफे की, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हम अपने अदर व्यूवर्स के साथ भी उन कॉल्स को शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपका पैसा अब जितना गिरना था, जितना करेक्शन आना था मार्केट में आ चुका है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अब करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, यहाँ से मार्केट बस ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। एक बार ट्रिगर मिल जाएंगे मार्केट को देन मार्केट आपको शानदार परफॉर्मेंस भी देगा आने वाले 2 सालों के अंदर। सो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए काउंटर के साथ, कुछ नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स।